हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन सेट के बारे में। तो अगर आप ट्रेड, टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर और इसी तरह से जितनी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ट्रेड्स आती हैं उस ट्रेड से संबंध रखते हैं तो फिर ये टॉपिक आपके काम का है। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो बात करते हैं कॉम्बिनेशन सेट की। तो जो बेसिकली कॉम्बिनेशन सेट है, ये डिफरेंट टाइप के जो एंगल्स है जॉब्स में उसको नापने के काम आता है बेसिकली। तो पढ़ लेते हैं इसमें लिखा क्या है। तो कॉम्बिनेशन सेट क्या है, इसके प्रयोग लिखो और चित्र बनाओ। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन सेट एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। यह तीन हेड और एक ब्लेड को मिलकर बना होता है। एक ही ब्लेड के तीनों हेड अलग अलग व साथ साथ फिट किए जा सकते हैं। इसका ब्लेड स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसकी पूरी लंबाई में एक आयताकार स्लॉट कटी होती है। इसके ऊपर इंचों तथा मिलीमीटर के निशान होते हैं। तीनों हेड को थंब स्क्रू की सहायता से आगे पीछे सेट करते हैं। तो बेसिकली देख सकते हैं ये कॉम्बिनेशन सेट है जिसमें ये सेंटर हेड होता है, ये प्रोटेक्टर हेड है और ये स्क्वायर हेड है और ये ब्लेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि स्क्वायर हेड की, ठीक है। तो बेसिकली कॉम्बिनेशन सेट ओवरऑल किस काम आता है, मैंने आपको बता दिया, एंगल नापने के काम आता है जॉब्स के। तो स्क्वायर हेड का जो काम होता है, हम बात सबसे पहले स्क्वायर हेड की कर रहे हैं। तो स्क्वायर हेड का जो काम होता है, इसके द्वारा जॉब की फ्लैटनेस और 90 डिग्री व 45 डिग्री के कोण मापे जाते हैं। इसमें लगे नॉब स्क्राइबर से जॉब पर लाइन भी लगाई जाती है। तो जो नॉब स्क्राइबर जो हो, देखिए यहाँ एक पिन रहती है जिस पिन को निकाल के आप उसमें से मार्क मार सकते हो, उसी की बात कर रहा है। तो कुल मिला के जो स्क्वायर हेड है यानी जी, ये देख सकते हैं इसके यूज जो है वो यहाँ है। देखिए ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक टाइम क्या कर रहा है, 90 डिग्री नाप रहा है। देखिए ये, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि इसको लगा दिया तो ये ब्लेड के साथ ये फिट हुआ। तो ब्लेड का एक सिरा देखिए यहाँ पर, तो ये जॉब के साथ टच हो गया और जो दूसरा सिरा है ये इस पर टच कर रहा है। तो इससे पता चल रहा है बिल्कुल 90 डिग्री है। इसके अलावा दूसरा काम हम स्क्वायर हेड से क्या कर रहे हैं, ये देखिए ये डेप्थ नाप दे रहा है। ये कोई जॉब है, जॉब में ऊपरी सिरे पे हमने इसको देखिए जो स्क्वायर हेड का एक सिरे को रखा और जो स्केल को खिसका के नीचे सरफेस में टच करा। तो इसके बाद क्योंकि इसमें एमएम के निशान रहते हैं तो यहाँ रखने के बाद ये एग्जैक्ट बता देगा कि इसकी हाइट कितनी है। ये इसीलिए स्टील जो इसका ब्लेड है और ये स्क्वायर हेड का, ये दो काम हो गए। इसके अलावा स्क्वायर हेड में आप देख सकते हैं, तो एक साइड अगर 90 डिग्री का एंगल है तो दूसरी साइड ये 45 डिग्री का एंगल भी है। देखिए ये इस साइड आप देख सकते हैं, ये 45 डिग्री का एंगल है। तो उसको नापने के लिए देखिए यहाँ अगर कोई 45 डिग्री है कि नहीं है तो इसको स्क्वायर हेड को, क्योंकि कंफर्म है कि एक साइड में 90 डिग्री है और दूसरी साइड में इसका 45 डिग्री के एंगल में ही ये बना हुआ है, तो जैसे ही फिट करेंगे तो एग्जैक्ट 45 डिग्री है कि नहीं वो ये बता देगा। तो स्क्वायर हेड का बेसिकली काम क्या है, 90 डिग्री पता करना, ठीक है, डेप्थ को किसी जॉब की डेप्थ एग्जैक्ट प्लेन सर्फेस दो सर्फेस के बीच की जो डेप्थ है वो बता देगा। इसके अलावा 45 डिग्री के एंगल पे जॉब है कि नहीं है कटा हुआ ये बता देगा। तो मेन स्क्वायर हेड का काम यही है। अब बात करते हैं प्रोटेक्टर हेड की। तो ये क्या होता है, इसके द्वारा एक डिग्री की शुद्धता में कोण मापे जाते हैं और मार्किंग भी की जाती है। तो ये देखिए ये है प्रोटेक्टर हेड। बेसिकली सबसे ज्यादा काम हम जो यूज करते हैं वो इसी से ही करते हैं, क्योंकि जो एंगल निकालना है या फिर हमें कुछ भी करना है वो इसी में सबसे बारीक इसी में ही पॉसिबल हो पाता है। तो नॉर्मली इसको जो लीस्ट काउंट आप कह लें, एक डिग्री जो नॉर्मल वाला हमारा कॉम्बिनेशन सेट रहता है, एक डिग्री का इसमें इसकी लीस्ट काउंट ये बता रहा है। तो इसी तरह से डिफरेंट उसकी भी हो सकती है। तो फिलहाल ये आपको देखना पड़ेगा कि कोई भी जो कॉम्बिनेशन सेट होता है उसकी लीस्ट काउंट हमेशा लिखी रहती है। इसके अलावा किसी भी तरह का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर उसकी लीस्ट काउंट जरूर लिखी होती है, वो उसी से पता चलता है वो कम से कम कितना नाप सकता है। तो नॉर्मली इसमें बता दिया गया है कि एक डिग्री की शुद्धता से माप सकता है ये वाला कॉम्बिनेशन सेट जो इसमें बना हुआ है। इसके अलावा जब भी आपके पास कोई कॉम्बिनेशन सेट आए तो उसमें पहले आप जरूर देख ले कि उसके ऊपर जो लीस्ट काउंट कितना नापता है वो कितना लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका काम यह है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। जैसे स्क्वायर हेड में क्या था, इसमें फिक्स है या तो ये 90 डिग्री नापेगा या 45 डिग्री नापेगा, जैसे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब जो प्रोटेक्टर हेड है इसका काम क्या है, ये एक डिग्री से लेके ये जैसे 360 होता है तो 300 यानी 359 डिग्री तक पूरा नाप देगा, इतने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और ये दोनों किसका काम से आएगा, ये ब्लेड की हेल्प से नापता है, ये और ये, इसकी कॉम्बिनेशन से ही सारे एंगल नापे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे है प्रोटेक्टर हेड का यूज। एक ये जो आप स्टील ये स्केल देख रहे हैं, इसके पीछे एक स्लॉट बना होता है, खांचा बना होता है जिसके साथ ये इसमें फिट हो जाता है प्रोटेक्टर हेड में। तो इसको फिट करके किसी भी एंगल पर मूव कर लेता है तो उसको रख के हम उसमें से नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें यही है प्रोटेक्टर हेड का काम। अब आते हैं सेंटर हेड। तो सेंटर हेड इसे किसी गोल जॉब का केंद्र निकालने के लिए काम में आता है।
कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड और प्रोटर हेड में स्प्लिट लेवल भी होते हैं, जिसकी सहायता से पार्टों की लेवलिंग भी चेक की जा सकती है। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग पार्टों के चेक करने के लिए, उनकी मार्किंग के लिए करते हैं। तो जो यूज ऑफ सेंटर हेड, यानी कि जो दो का तो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तीसरा क्या है, सेंटर हेड है। तो इस सेंटर हेड का यूज किस काम आता है कि जब हमें कई बार जब हम लेथ मशीन में कोई गोल रोल को कोई काम करना होता है, तो उसका सेंटर निकालना हमारे लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेंटर हेड है, ये जब हम किसी जॉब के किनारे पे रख के, जो ऊपरी सरफेस के पास रख के ऐसे टिकाते हैं और ये स्टील रूल आगे को खिसकाते हैं, तो ये जो लाइन है स्टील रूल की, जो ऊपरी सरफेस होती है, ये बिल्कुल उसके सेंटर से होकर गुजरती है। तो ऐसे में स्क्राइबर से अगर हम वो स्क्रैच मारेंगे एक एक साइड से, फिर हम इस जॉब को क्या करेंगे, थोड़ा घुमा देंगे, तकरीबन 90 डिग्री तक घुमा देंगे। उसके बाद दोबारा जब हम स्टील रूल से दोबारा लाइन मारेंगे, तो जितनी भी लाइनें वो ऐसे करके जॉब को घुमा के जितनी भी लाइनें खींची जाएगी, वो सारी लाइनें जॉब के केंद्र पे ही एक दूसरे को काटेंगी। तो इस तरह से क्या होगा, एक से ज़्यादा बार जब आप लाइनें बार बार खींचेंगे, तो सारी लाइनें वो उसके केंद्र को ही काटेंगी, और इससे उस जॉब का जो रॉड का जो केंद्र होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो जो सेंटर हेड का मेन काम यही होता है कि हम किसी भी जॉब का उससे सेंटर निकाल सकते हैं। तो जो उसका बेसिक वर्किंग यही है, और डिटेल में ओवरऑल ये कैसे काम करता है, इसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं, इसके लिए तो ये एग्जैक्टली हमारे पास होना चाहिए और उसको वर्किंग करके दिखाएं आपको वीडियो के फॉर्म में, तभी बेस्ट रहता है। तो फिलहाल के वर्तमान की सिचुएशन को देखते हुए फिलहाल इसमें मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा। इसके अलावा इसी टॉपिक से रिलेटेड या ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड मैं लगातार वीडियोस बना के अपने चैनल में डाल रहा हूँ। तो ITI लाइव ज्ञान में जाके आप जितने भी ट्रेड थ्योरी के टॉपिक्स हैं, ये आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा उसमें ITI से रिलेटेड आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है, इससे रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो, यानी ITI पॉलिटेक्निक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज उसमें है, जिसमें ITI से आपको करना नहीं करना इस टाइप की सारी वीडियोज पड़ी हुई हैं। ITI के दौरान आपको ITI कैसे करनी है, या फिर ITI के बाद आपको कैसे क्या करना है, इस तरह की सारी डिटेल उसमें आपको मिलेगी। इसके अलावा ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड, ED इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड सारी वीडियोज उस हमारे ITI लाइव ज्ञान चैनल में है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।